हीरो आईएसएल का वन ऑफ द बेस्ट कोच सर्जियो लोबेरा की एक बार फिर से हीरो इंडियन सुपर लीग में वापसी हो रही है। उड़ीसा एफसी ने सर्जियो लोबेरा की साइनिंग एज दियर न्यू हेड कोच कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे रूमर निकलकर सामने आ रहे थे कि ईस्ट बंगाल एफसी आर क्लोज टू साइन सर्जियो लोबेरा, बट सोर्स के मुताबिक उड़ीसा एफसी सर्जियो लोबेरा को साइन करने की रेस में सबसे आगे चल रहे थे और फाइनली उड़ीसा एफसी ने ये डील सिक्योर कर ली है। सर्जियो लोबेरा की बात करें तो काफ़ी हाई प्रोफाइल कोच हैं। लोबेरा एफसी बार्सिलोना की यूथ टीम को मैनेज कर चुके हैं। आईएसएल 2018-19 के सीजन में एफसी गोवा ने सर्जियो लोबेरा को साइन किया था और उसी सीजन लोबेरा ने एफसी गोवा को हीरो आईएसएल का शील्ड जिताया था। उसके बाद 2020 में लोबेरा ने एफसी गोवा से मुंबई सिटी एफसी को ज्वाइन किया और मुंबई सिटी एफसी को आईएसएल शील्ड और कप का चैंपियंस बनाया। उसके बाद सर्जियो लोबेरा ने चाइनीज सेकंड डिवीजन लीग के सिटी फुटबॉल ग्रुप के क्लब सिचुआन जुनियर एफसी को साइन किया, जहां उनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। 34 मैचों में सिर्फ 18 विन के साथ लीग टेबल में सातवें पोजीशन पर फिनिश किया, जिससे सिचुआन जुनियर की मैनेजमेंट ने सर्जियो लोबेरा से अपना पार्ट वेज कर लिया और फाइनली उड़ीसा एफसी ने सर्जियो लोबेरा को अपने नए हेड कोच के रूप में साइन कर लिया है। तो ये उड़ीसा एफसी के लिए काफ़ी बड़ी साइनिंग है, क्योंकि हम सबको पता है कि सर्जियो लोबेरा कितने बड़े टैक्टिशियन हैं। सर्जियो लोबेरा हीरो आईएसएल की हिस्ट्री में मात्र एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने दो बार हीरो आईएसएल शील्ड जीती हो। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट सीजन सर्जियो लोबेरा उड़ीसा एफसी के लिए क्या वही काम कर पाते हैं जो उन्होंने मुंबई सिटी एफसी और एफसी गोवा के लिए किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इंडियन फुटबॉल और आईएसएल से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।